हेलो एवरीवन, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास चल रहा है अभी, और मैं कंटिन्यू क्लास ला रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, यह सब्जेक्ट जो है नया है, न्यू है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और आप सब भी इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यह सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर यह नंबर भी बराबर ही आता है, 20 मार्क्स का रहता है छत्तीसगढ़ में। एंड आप बोल रहे थे केजीए में जो यूपी वाले बच्चे हैं, क्या वो इसमें भाग ले सकते हैं, क्या वो इसे पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल, आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी के लिए इक्वल होता है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है आपकी जो अभिरुचि, आपका जो मानसिक योग्यता है नर्सिंग में, आप नर्सिंग के लेकर क्या सोचते हैं, आप नर्सिंग नर्स बनेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। और आपको छोटी छोटी जानकारी, जैसे आपको कोई बीमारी हो गया, कोई इलाज के लिए यहाँ पर आपको जानने को मिला कि इस बीमारी का क्या इलाज है, तो यह एप्टीट्यूड में यह जानना ज़रूरी है आपके लिए, तो सभी के लिए एकदम ज़रूरी है, जो भी KGMU के हैं और ABBMU AIIMS सभी के लिए यहाँ पर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बोल रहे थे BSc नर्सिंग क्या है, देखिए BSc नर्सिंग करने के बाद आप ये सोच लीजिए कि अभी के सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो ये समझ सकते हैं कि आप MBBS का डिग्री भी ले सकते हैं, ले लिए, आप ये समझ के चलो कि अगर BSc नर्सिंग कर लिए कंप्लीट, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास MBBS की डिग्री के बराबर कुछ डिग्री है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी के केस में। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत ही ज़रूरी पढ़ना है, मस्ट है ये चीज़। ठीक है, बाकी चीज़ें आप फोकस करते रहिए, लेकिन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड एकदम कंपलसरी है अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। आने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एंड जो छत्तीसगढ़ में है CGBSE नर्सिंग के लिए, उसका प्रीवियस ईयर का वीडियो अपलोडेड है, उसे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने सवाल दिए रहते हैं, सभी प्रकार क्वेश्चन हैं यहाँ पर। मैं पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको, 2-3 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ना है क्वेश्चन को, कि आपके दिमाग में इस सवाल को लेकर क्या आंसर आ रहा है और आप क्या सोच रहे हैं इस सवाल को लेकर। इसको अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको आप खुद से सोचो कि आखिर इसका आंसर ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे अनुसार, मतलब अपने अनुसार इसका आंसर क्या होगा, आप वहाँ पर लगाने का प्रयास करो। ठीक है, उसके बाद मैं सारा डिटेल तो आपको बताता ही हूँ, सभी क्वेश्चन का डिटेल करता हूँ, तो उससे आपको अच्छे से गहराई से समझ में आ जाएगा। यह आप ज़रूर कीजिए, हर वीडियो में कीजिए और हर सवाल को कीजिए आप, यह आपको क्या करेगा, आपकी मानसिक एबिलिटी को इन्हेंस करेगा और आपको सोचने समझने की जो क्षमता है उसको इनक्रीज करेगा। तो ये चीज़ आप कीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप वीडियो को बंद करना और पॉज करना, और उसके बाद क्या करना, रूट खुद से आपके आंसर देने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर सवाल क्या दिया उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, देखिए, एक रोगी नाक से खून बहने की स्थिति में चिकित्सालय में आता है, रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश उपयुक्त है? ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नर्स है वहाँ पर क्या देगा, मतलब क्या निर्देश देगी वहाँ पर उसके लिए, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, इसको बताइए। देखिए, यहाँ पर सवाल क्या दिया है, सवाल तो समझ गए कि यहाँ पर नाक में उसको खून आ रहा है, तो वो अस्पताल जाता है, हॉस्पिटल, और वहाँ पर उसको क्या निर्देश दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहले दिया है अपने सिर को आगे की ओर झुका बैठें, झुका कर बैठें, अपनी नाक के नरम हिस्से को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच मजबूती से पकड़ें। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लंब क्या दिया है, लेट जाएं और अपने सिर को पीछे झुकाएं, अपनी नाक के अंत को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ें, यहाँ पकड़ें, ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है बैठ जाएं और पीछे की ओर झुक जाएं, अपने हाथ से अपने नाक के किनारे पर दबाव डालें। आगे दिया है लास्ट ऑप्शन, लेट जाएं और अपने सिर को एक तरफ झुकाएं और अपने नाक के किनारे पर अपने हाथ से दबाव डालें। देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे कन्फ्यूजन लग रहे हो कि आपको इसके अनुसार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हर अपना अपना सिचुएशन लाएंगे। यहाँ पर आपको भी लग रहा हो कि यहाँ पर नाक को बंद करके पीछे लेट जाएं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यह आपकी, जब तक आप सोचेंगे नहीं खुद से कि आखिर ऐसा कैसे होगा राइट आंसर, वो तभी आपको दिमाग में आएगा। तो इसको आप वीडियो पॉज करके सोचो मन में कि आपको यहाँ पर होगा तो क्यों होगा और क्या रीज़न है इसके पीछे। देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है कि नाक से अगर रक्त निकल रहा है, मतलब खून निकल रहा है,
तो हो सकता है कारण क्या हो जाएगा, कारण में हो सकता है कोई बाहरी चोट लग गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको, नाक से भीतर, नाक के भीतर से रक्त स्राव को कहा जाता है एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए एपिस्टैक्सिस, यहाँ पर इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नाक में जब खून आता है तो इसको नाम देते हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये कभी कभी सामान्य बीमारी होता है, आप देख सकते हैं कई बार ऐसा हो जाता है, एपिस्टैक्सिस जो है, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं इसको रक्त स्राव को। देखिए इसके कारण मैं बता दिया आपको, इसके कारण क्या होगा, जैसे रोगी को क्या करना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले रोगी को क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अच्छे से घबराना नहीं चाहिए, और रोगी को आगे झुककर, आगे झुककर आपको बैठा रहना चाहिए, और 10 से 15 मिनट क्या करना चाहिए, नाक को नरम हिस्से वाले थोड़ा सा पकड़कर दबाए रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे नाक है या फिर जो गाल है उसके क्षेत्र में क्या रख सकते हैं, बर्फ थोड़ा रख सकते हैं, बर्फ की थैली को रख सकते हैं ठंडा के लिए। आजकल देखते हो गर्मी का सीज़न है, गर्मी में ऐसा हो जाता है कई लोगों का नाक से खून आने लगता है, तो जनरली यही होता है जो हमारे प्रॉब्लम हो जाता है हमारे नाक में, तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो होगा आपका पहला वाला, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अपने सिर को आगे की ओर झुका कर बैठे, अपनी नाक के नरम हिस्से को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़ रहे, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। इसको समझ गए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ध्यान रखें कि अपने नाक को दबाकर पीछे की ओर नहीं झुकना है, ठीक है, पीछे की ओर नहीं झुकना है, आगे की ओर झुकना है, याद रखना आगे की ओर झुकना है। यहाँ पर आगे सवाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है इसको पढ़िए, नर्स इस बात से अवगत है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस श्रवण बृहदान्त्र शोध वाले बच्चे में सामान्यतः बच्चे में सबसे सामान्य आंकलन डैश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। देखिए ऑप्शन दिया है, उदर में तीव्र ऐठन, बहुत अधिक मात्रा में अतिसार यहाँ पर दिया है, गुदा बिदर दिया है, उदर का बढ़ना, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर इसको बताइए। देखिए यहाँ पर नर्स इस बात से अवगत है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या होता है कि जो हमारे मलाशय हमारे शरीर जिसको वृदांत्र बोलते हैं वहाँ पर एक झिल्ली बन जाती है, ठीक है, वहाँ पर एक झिल्ली बन जाती है जो हमें क्या करती है, बहुत हानिकारक रहता है यह रोग जो है ना, बहुत ख़तरनाक है। इसमें क्या होता है कि जब मलाशय त्यागते हैं तो उसमें रक्त भी आपका श्रावण होने लगता है, रक्त भी निकल लगता है वहाँ पर। इसका लक्षण क्या होता है, देखिए लक्षण ये होता है कि पेट में ऐठन होता है, पेट फूलना होता है, वोमिटिंग जैसे उल्टी, बुखार, मल में रक्त, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अतिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत अधिक मात्रा में अतिसार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर सवाल को समझिए, दिया है किसी पुरुष में वीर्य का निर्माण न हो पाना क्या कहलाता है। यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर, अस्पर्मिया दिया है, अजोस्पर्मिया दिया है, यहाँ पर एथिनोस्पर्मिया दिया है, यहाँ पर टेट्राजोस्पर्मिया दिया हुआ, क्या होगा राइट आंसर इसको समझिए। देखिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखना, एज अ कॉमन पीपल आप याद रखिए इस चीज़ को, और नर्सिंग के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ कि किसी भी पुरुष में वीर्य का निर्माण न होता, स्पर्म जिसको बोलते हैं, सीमेन का निर्माण नहीं हो पाना कहलाता है, क्या कहलाता है, अस्पर्मिया कहलाता है। यह नाम से ही स्पष्ट है कि अस्पर्मिया, स्पर्म ही नहीं बनता है, स्पर्मिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अस्पर्मिया क्या होता है कि जैसे स्खलन होता है, जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पर जो वीर्य होता है पूर्ण रूप से कमी हो जाता है उसमें, और जिसके कारण क्या होता है कि बांझपन हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। और इसके कारण भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि कई सारे संक्रमण है, हार्मोन का असंतुलन है, कई जन्मजात भी मतलब अनुवांशिक रूप से भी होते हैं, तो ये सब में क्या होते हैं, अस्पर्मिया होता है, मतलब इसमें स्पर्म सीमन नहीं बनता है, वीर्य की कमी हो जाती है, पूर्ण रूप से कमी हो जाती है वहाँ पर, इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, इसको याद रखिएगा अस्पर्मिया क्या होता है, ठीक है। आगे हैं यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे अजोस्पर्मिया दिया हुआ है, ये क्या होता है, तो ये जो होता है शुक्राणु की अनुपस्थिति होता है, इसमें क्या होता है शुक्राणु, जैसे पुरुषों में अगर बात करें तो 1% बांझ बोलते हैं, ऐसे जनरली बोलते हैं, तो 10% तक ऐसा होता है। आगे है यहाँ पर एस्थिनोस्पर्मिया क्या होता है, तो ये जो होता है एस्थिनोस्पर्मिया बोलते हैं इसको,
ये जो होता है शुक्राणु जो होते हैं उसमें जो क्वालिटी होती है मतलब गति होता है उसका, शुक्राणु गति होती है ना, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो कम होता है। तो ये जो होता है बांझपन का एक आम कारण ये भी है, ठीक है, ये भी एक कारण है। आगे है यहाँ पर देखिए टेट्राजुस्पर्मिया क्या है, टेट्राजुस्पर्मिया इसको समझिए। तो ये क्या है, देखिए ये जो होता है असामान्य रूप से जो है शुक्राणुओं की असामान्य से वृद्धि होना, ये चीज़ होता है। जैसे इसमें सांद्रण की वृद्धि होना बोल सकते हैं, सांद्रता में वृद्धि होना। तो यहाँ पर एक और कारण हो सकता है, यदि आपके यह कारण है कि आप में कोई बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, कुछ चोटें लग गई है, या फिर आप डायबिटीज हैं या नसबंदी, ये सब चीज़ें ये सब कारण हैं इसके कि ये टेट्राजुस्पर्मिया जो है ये चीज़ होता है, असामान्य रूप से शुक्राणु की सांद्रता होती है। तो यहाँ पर अस्पर्मिया आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही और भी चीज़ें जानने को मिलेगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़िए। यहाँ पर दिया है वीवर परीक्षण में रोगग्रस्त कान में ध्वनि का पार्श्वीकरण क्या इंगित करता है, ये चीज़ को समझिए सवाल को, फिर क्या है। देखिए ये कान के लिए मतलब जैसे ध्वनि के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्क होता है, फॉर्क मतलब जानते हैं यहाँ पर जैसे इस टाइप से रहता है, वो यहाँ पर देखिए कि इस टाइप से रहता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे रहता है, और यहाँ पर जब जानेंगे तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस टाइप से रहता है। तो ये जो होता है शरीर होता है, जैसे मस्तक है, तो यहाँ पर एक टारगेट रखते हैं यहाँ पर, अब एक टारगेट यहाँ पर, तो इसको कहा जाता है क्या कहते हैं, तो इसको वेवर पर टेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेवर, ऊपर वाला जो सर से रहता है उसको वेवर। वेवर में क्या होता है कि वेवर टेस्ट में लिख लीजिए आप, वेवर टेस्ट लिख लीजिए। वेवर टेस्ट में क्या होता है कि जो फोर्क होते हैं, जो घंटा होता है, उसके साथ उसकी टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग परीक्षण किया जाता है वहाँ पर। तो एक तरफा वहाँ पर जो है जो मध्य कान मतलब बीच में यहाँ पर सर के बीच में यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसको, आंतरिक कान जो है उसका पता लगाते हैं कि क्या वर्क कर रहा है, उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। एक जनरली आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे होता है, मतलब नीचे होता है, नीचे जो होता है आँखों के सामने से यहाँ निकालते हैं। तो ये जो होता है एक विजुअल होता है, मतलब रीनन बोलते हैं, विजुअल टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो होता है कि दूर और निकट दोनों को नापा जाता है, दूर और निकट, इट मीन्स यहाँ पर है बोन कंडक्शन, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और एयर कंडक्शन, दो चीज़ आप पढ़ेंगे, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन, ये चीज़ें क्लास आप पहले हो चुका है तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका पहला वाला हो जाएगा, प्रवाह के बाहर जो है ये वाला आपका पहला वाला हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर प्रवाह किए, यहाँ पर बधिरता आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बधिरता, ये चीज़ याद रखिए आप। आगे यहाँ पर सवाल देखिए, यहाँ पर दिया है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है इन्फ्रैक्शन क्या होगा के दौरान सामान्यतः कौन सी धमनी प्रभावग्रस्त होती है। यहाँ पर MI का फुल फॉर्म दिया है, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है रिनल धमनी, यहाँ पर सीलिएक धमनी, यहाँ पर दिया है कोरोनरी, हिपेटिक धमनी, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन में से आप पढ़ सकते हैं इसमें से क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर MI बता रहा है, मतलब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि दिल का दौरा क्या होता है, जैसे जब जीवन मतलब जो हमारा हृदय होता है वहाँ पर जो है मांसपेशियों में रक्त प्रवाह जो होता है अचानक कट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ के टिश्यू जो होता है वो वहाँ पर इफेक्ट करता है, और जिसके कारण यहाँ पर दिल का दौरा जो पड़ता है धमनी के टूटने से पड़ता है, ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर मायोकार्डियल जो होता है ये क्या होता है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, इन्फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है, दिल का दौरे को कहा जाता है। यह तब होता है जब रक्त की प्रवाह जो होता है वो कम हो जाता है, जो ठीक है रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब ये स्थिति होता है, या फिर कह सकते हैं कि हृदय की कोरोनरी धमनी में रुक जाता है, ये चीज़ें जिससे हृदय की जो मांसपेशियों को नुकसान होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, कोरोनरी, यहाँ पर कौन सा है इसको बता दीजिए आप, कोरोनरी धमनी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है कोरोनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनरली जब हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, इसके रोग के लिए यहाँ पर दवाई क्या देते हैं, तो मॉर्फिन देते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए इसको, मॉर्फिन आप नोट डाउन कर सकते हैं, मॉर्फिन यह दवाई देते हैं। यह सीने में क्या करता है, दर्द को कम करता है और मदद करता है, ठीक है ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर आगे सवाल क्या दिया है इसको समझिए, यहाँ पर सवाल दिया है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है,
क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? क्षय रोग क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोला जाता है। क्षय रोग जो होता है यह एक क्या है? संक्रामक रोग है, जो किसके द्वारा होता है? एम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं किसके? एम ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पर लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। एम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है यह रोग, जो होता है फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को। इसके लक्षण क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टीबी के लक्षण क्या होते हैं। पहला होता है छोटा, मतलब निम्न रूप से, मतलब कम बुखार आएगा, ठीक है, और आपको 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपका मिल गया, जो कि आपका 3 सप्ताह से अधिक यहाँ पर खांसी रहेगा तब तो आपका टीबी है, यह यकीन कर लो, ठीक है। आपके छाती में दर्द होने लगा, सीने में जकड़न होने लगेगा, ये चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती है जैसे आप इलाज के लिए क्या क्या करते हैं, इसमें छाती की एक्सरे किया जाता है आप, और यहाँ पर बलगम की जांच करा जाता है, रक्त की जांच किया जाता है, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये टीबी की बात हो गई, यहाँ पर आपका राइट आंसर समझ गए, पहला वाला हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर दे COPD, थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, COPD क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए COPD यहाँ पर समझ लीजिए, ऑप्शन को आप सभी चीज़ों को देख लीजिए। वेंटिलेशन में सुधार है, यहाँ पर दिया ब्रोंकियल सांस में वृद्धि दिया है, सामान्य स्वास्थ्य में सुधार, उपरोक्त सभी क्या होगा राइट आंसर, इसको आप खोजते रहिए। अब आप यहाँ पर COPD के बारे में जान लीजिए। देखिए COPD का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। एक बार और इसको आप लिख सकते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया पल्मोनरी डिजीज़, आप इसको नाम दे है, इसका फुल फॉर्म है, इसको आप नोट डाउन कर लो अभी तुरंत, ठीक है। COPD का सी से हो गया क्या हो गया? क्रॉनिक हो गया, और यहाँ पर ओ से क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव पी मतलब होते पल्मोनरी डिज, मतलब डिजीज हो गया, ये चीज़ें हो गया फुल फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या होता है? एक प्रकार का श्वसन की स्थिति होती है, जब हम सांस लेने के लिए जब हमारे लिए मुश्किल हो जाती है तब यह बीमारी जो होती हैं जो समय के साथ बढ़ने लगता है, और हमारे फेफड़े में लंबे समय तक होने के कारण क्या करता है, ये हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो होता है, जिसे COPD कहा जाता है, इसमें सांस लेने में कठिनाई होता है, खांसी और सीने ये सब जकड़न ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सामान्य स्वास्थ्य में सुधार यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका राइट आंसर है। ये क्यों होगा इसके बारे में बता रहा हूँ अभी तुरंत। देखिए जब हम देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले हम समझ लेते हैं वेंटिलेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो वेंटिलेशन में सुधार सामान्यतः पर क्या होगा, वेंटिलेशन में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस की तकलीफ जब होता है ना उसके लिए है, जैसे सांस रुक गया है उसके लिए। और यहाँ पर एक चीज़ दिया है ब्रोंकियल स्राव, ये क्या है? तो ये भी आपका यहाँ इसका भी रिजल्ट ये नहीं होगा, ब्रोंकियल स्राव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये जो है ये चीज़ ये इसका लक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, क्योंकि ये वायु मार्ग में रुकावट को ये बढ़ा सकता है, ब्रोंकियल स्राव यहाँ पर ये चीज़ें होती है, मेन चीज़ ये संक्रमण को बढ़ा सकता है, इसलिए ये आपका यहाँ पर ये इसका लक्ष्य ये नहीं है कि COPD में काम आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक समझ लेते हैं, COPD जो होता है, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म क्या बताया, तो आपको मैं बताया यहाँ पर आपको क्रॉनिक बताया ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ ये होता है। इसका कारण क्या होता है, देखिए एक कारण जो होता है निम्नलिखित में हमारे COPD के आमतौर पर क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ, सांस की तकलीफ होती है, घरघराहट होती है, खांसी होती है, सीने में जकड़न होती है, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे कोई प्रदूषक हवा ले लिया, मैं कहीं पर बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, धुएं का सिगरेट पी रहे हैं, और बहुत सारे गंभीर लक्षण हो सकते हैं जो आनुवंशिक भी हो सकते हैं। COPD में आमतौर पर क्या होता है कि जैसे वायु प्रदूषण हो गया, धूल हो गया, कई रसायन हो गया, कोई काम कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री वगैरह में, जिसके कारण संक्रमण फैल गया, उसी कारण COPD उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतना तो समझ गए, आगे देखते हैं कि यहाँ पर COPD के बचाव क्या हो सकते हैं, सेफली मतलब बचाव क्या हो सकते हैं। तो बचाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर समझिए कि COPD का जो लक्ष्य है बचाने का, देखिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है इसका,
इसका निदान कैसे किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, धूम्रपान नहीं करना होगा, ठीक है, ये तो नहीं, दवा के लेना पड़ेगा अच्छे से, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन थेरेपी करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये वाला, आपका स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे सवाल क्या दिया है इसको समझिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, क्या सवाल है देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्या होगा, यकृति विद्रिधि मतलब लीवर एब्सेस यहाँ पर दिया है, का मुख्य रूप से किस में होता है, मुख्य रूप से किस में होता है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यकृत की दाई पाली में, यकृत की बाई पाली में, दोनों पालियों में उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर यकृति के बारे में बता रहे, यकृत लीवर जिसको बोलते हैं, ये वृद्धि मतलब विद्रिधि मतलब क्या होगा, जीवाणु कवक परजीवी कई सारे कारण हो सकते हैं ना इसके करने के लिए, ये जो होता है जहाँ पर अधिक रक्त की आप मतलब यहाँ पर बनता है आपूर्ति होते हैं, ये चीज़ ऐसे रहता है जैसे आप देखे होंगे किस प्रकार से इमेज रहता है, ठीक है, ये इस टाइप से रहता है, तो ये यकृत होता है, यहाँ पर आपका अलग अलग भाग में बटे रहते हैं, तो ये जो होता है 50% जो आधा होता है यकृत वृद्धि जो होता है वो आपका दाई पाली में होता है, यकृत की दाहिनी पाली, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाहिनी पाली में होता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए इसमें लक्षण होते हैं पीलिया होता है, पीलिया इसका लक्षण हो गया, और एक हो गया आपका जैसे अपशिष्ट पदार्थों की रुकावट, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो ये चीज़ होता है एब्सेस हो गया, लीवर गार्डी ब्लडर हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर गार्डी ब्लडर होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये दो चीज़ें होती है यहाँ पर, राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर सवाल दिया है, निम्न में से कौन सा रोग की स्थिति में, यहाँ पर दिया हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पर दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पर थेरेपी लागू है, क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पर बताइएगा, ये सवाल को पढ़िए आप एक बार, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ग्लूकोकॉर्टी, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पर थेरेपी दिया हुआ है, ये क्या होता है, यह एक स्ट्रैड होता है, इट मीन्स यहाँ पर एक यौगिक है जिसका नाम है स्ट्रैड, ठीक है, ये यौगिक है, इसमें क्या होता है कि ये उपापचयी, ये एंटीबायोटिक के रूप में होता है, एक या नेचुरल रूप से क्या करता है कि कई हार्मोन को बनाता है और इसके ये हमारे शरीर में कई सारे संश्लिष्ट मतलब औषधियाँ बनाती है, हो सकते हैं औषधियों के रूप में काम करता है हमारे शरीर को, ये जो थेरेपी होता है ये बिन बीमारी पर लागू होता है, जैसे कोई अधिवृक्क हो गया, आपने सुना होगा कि डिफेल अधिवृक्क, और कोई दमा हो गया, दमा के लिए ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, अंग प्रत्यारोपण ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सभी चीज़ें ये तीनों ये सभी है यहाँ पर, याद रखना यहाँ पर सभी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला भी, दूसरा वाला, तीसरा वाला भी, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। पहला वाला दीर्घकालिक अधिवृक्क जो ये वाला है ये क्या है, ये जनरली इस चीज़ को बताता है कि देखिए असामान्य रूप से विकार हो गया, हमारे शरीर में पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं हो रहा है, नहीं करता है, तब की स्थिति में यहाँ पर कम कोर्टिसोल बनता है और यहाँ पर एल्डोस्ट्रोन का उत्पादन करता है, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। यहाँ पर दमा में ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि इसमें फुफ्फुसीय मार्ग जो होता है हमारे फेफड़े में संकुचन हो जाता है और सांस फूलने की अवस्था वहाँ पर हो जाती है और यह बहुत गंभीर रूप में बदल जाता है कभी कभी, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। आगे अंग प्रत्यारोपण जो है ये क्या होता है, तो देखिए अंग प्रत्यारोपण आप समझ गए, इसी प्रत्यारोपण करना, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा सभी के लिए होगा यहाँ पर, ठीक है। इससे जुड़ी और भी चीज़ें हैं जैसे इसमें दवा कौन सा है और इस पर कहाँ पर इफेक्ट करता है, चीज़ें भी हैं, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। प्रत्यारोपण क्या है, जीवन भर चलने वाला है कि नहीं, कर सकते हैं या नहीं, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे बुक में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अभी के लिए ये वाला हो जाता है, ठीक है। आगे यह सवाल एक बार और आ चुका है आपके सामने, देखे होंगे डायबिटीज़ मेलिटस के जांच हेतु सबसे उपयोगी परीक्षण कौन सा है, ऑप्शन बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पर राइट आंसर डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, यह एक कार्बोहाइड्रेट को उपापचयी क्रिया होती है जो शरीर में क्या होता है इंसुलिन का उत्पादन करता है।
डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है कि इंसुलिन के उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी क्षमता में कमी करता है, और इस प्रकार क्या करता है ग्लूकोज की स्तर को बनाए रखता है, डायबिटीज़ मेलिटस होता है। कारण क्या होता है, मोटापा, पहला नंबर लिख लो मोटापा, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ब्लड प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका जो है ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह ग्लूकोज की एक विशिष्ट मात्रा को बनाए रखता है हमारे शरीर में। इसके प्रकार होते हैं, उसके तीन प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। इसके पहला होता है, जिसे पहला होता है मुख्य रूप से मुख्य ग्लूकोज बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं चौथा, इसे करके डालते हैं ना यहाँ पर, आप समझ लीजिए एक मुख्य हो गया, मेन हो गया, और एक होता है चौथा होता है, इसे करके डालते हैं, और एक होता है मिनी, मतलब छोटा मिनी मिनी वाला। तो तीन टाइप से होता है यहाँ पर, इसका ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। इसके बारे में जानेंगे और चीज़ें तो जैसे आप डायबिटीज़ की क्लास पढ़ेंगे वहाँ पर जो बनाया हूँ मैं, उसको भी आप देखकर पढ़ सकते हैं, जो कि रोग के क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही और भी आप बुक में ध्यान दीजिए, बुक सभी चीज़ों को पढ़िए और नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप याद रखिए सभी चीज़ों को। एप्टीट्यूड में अक्सर जनरल क्वेश्चन रहता है, आप क्वेश्चन को देख ही लिए होंगे, कुछ तो आइडिया मिल गया होगा सारे क्वेश्चन से आपको, एंड आपको पढ़ने में इच्छा हो गया होगा कि किस टाइप से आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। सो आज तक के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आगे कौन सी क्लास में आपको वीकनेस, मतलब कौन से क्लास आपको चाहिए उसको भी कमेंट कीजिएगा। सभी क्लास अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, सभी चीज़ों को आप यहाँ पर पब्लिश कर दिया जाएगा सभी को। ऐसी क्लास रेगुलर आपको चलते रहेगी सभी के लिए, सो डोंट वरी, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, कम समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दो स्टडी को, ठीक है। टाइम नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा, टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा और स्टडी करना पड़ेगा। बाकी और भी क्वेरी होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, एंड सभी लोग फॉर्म भर लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से फॉर्म भर लेना, ठीक है। इसमें गलती नहीं करना, बाद में एडिट करना पड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम जाता है ना, इसीलिए आप अच्छे से ध्यान से शुरू से ही भर लो अच्छे से और आराम से रहो, क्लियर, और तैयारी करते रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और सभी चीज़ों को फोकस करना है। टॉपिक तो मिला ही है सबको, टॉपिक तो पता ही है, टॉपिक को पढ़ते जाना है। ऑल द बेस्ट, सभी लोग तैयारी करते रहिए, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।